तो सब्सक्राइब करो, ये लाल वाले बटन का कलर चेंज कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं सब। मैं हूं आपका दोस्त सरोज सरकम अंसारी, आप देख रहे हैं मिस्टर इंडियन गेमर। गाइस यहां पे आपके लिए वीडियो लाइव हम लोग करने वाले हैं रियलमी C3। आप लोग देख सकते हो ये हमारा रियलमी C3 जो कि यार काफ़ी अच्छा गेमिंग डिवाइस है। इसका हम लोग पबजी का टेस्ट करने वाले हैं, स्मूथ एक्सट्रीम हम लोग ट्राई करेंगे GFX टूल के साथ में, और जो नॉर्मल डिफॉल्ट सेटिंग रहती है फ़ोन में वो भी मैं हम लोग को आपको चेक करके गेम प्ले के साथ बताऊंगा, कंपैरिजन भी बताऊंगा कि कैसे दिखता है भाई स्मूथ पे, HD पे, HDR पे, सारी चीज़ें मैं आपको कंपेयर करके बता दूंगा। अलग अलग क्वालिटी में बता दूंगा, वाटर क्वालिटी क्या ऐसी रहती है, ट्रीज़ की क्वालिटी कैसी है, घर में क्या क्वालिटी दिखती है हम लोग को गेम की, इन डेप्थ बोले तो एकदम यार एकदम घुस के अपन लोग इसमें सारी चीज़ें टेस्ट करने वाले हैं पबजी मोबाइल को हमारे रियलमी C3 में। ओके, और अगर इसकी अगर अनबॉक्सिंग देखना है तो इसकी वीडियो आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकेंड चीज, अगर आप लोग, मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट करने वाले, भाई मैं GFX छूल कैसे लगाऊं, बैन तो नहीं होऊंगा, क्या सीन रहेगा, तो भाई इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, चेक करो, बैन नहीं होगे। बस जो तरीका मैं बता रहा हूं वो तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी ये वाली वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट गेट इनटू दिस। सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो यहाँ पे। ये हमारा रियलमी C3 जो कि यार काफ़ी अच्छा, काफ़ी बोलूँगा बहुत ज़्यादा ही बेटर फ़ोन है, 10,000 के रेंज में बेस्ट फ़ोन है मेरे हिसाब से यार। 194 के इसका बेंचमार्क स्कोर, अगर मैं आपको दिखा दूँ तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका बेंचमार्क स्कोर जो कि 194 के है। ओके, 1,94,170 का इसका बेंचमार्क स्कोर है, मेरे हिसाब से यार बहुत अच्छा बेंचमार्क स्कोर है। ये भी इसका पबजी टेस्ट करने वाले हम लोग, कंप्लीट A to Z सारी चीज़ें आपको मैं इसमें करके बताने वाला हूँ, इसका इन डेप्थ में हम लोग कंपेरिजन करेंगे गाइस। ओके, और सेकेंड चीज़ यार, अगर भाई आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया GFX टूल का मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ, सेटिंग करके बताऊंगा नॉर्मल, अभी जो चालू हो रहा है ये नॉर्मल चालू हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको GFX टूल भी सेटअप करके इसमें दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले इसको नॉर्मल ओपन जाने देते हैं। तो दोस्तों जैसे देख सकते हो यहाँ पे ये हो गया गेम यहाँ पे कंप्लीट ऑन, ये कुछ तो नया इवेंट आया है। एंड एक मिनट, इसका म्यूज़िक मुझे ऑफ करना पड़ेगा, तो म्यूज़िक हो गया है ऑफ और मैं अल्ट्रा पे कर देता हूँ, साउंड क्वालिटी अभी वो नहीं है, अवेलेबल नहीं है। ओके, तो मैं सेटिंग में जाता हूँ, ग्राफिक में जाता हूँ, तो देख सकते हो स्मूथ प्लस अल्ट्रा एंड स्टाइल इफेक्ट कलरफुल में मैंने सेट करा है। और अगर मैं बैलेंस्ड पे जा सकता हूँ, बैलेंस अल्ट्रा पे, एंड अगर HD पे जाऊँगा तो मुझे हाई का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बैलेंस पे खेलोगे तो आप अल्ट्रा पे जा सकते हो और स्मूथ और अल्ट्रा का ऑप्शन मिल जाता है। और नीचे देख सकते हो एंटी अलियासिंग डिसेबल है, एंड ये सारी सेटिंग मैंने करी है। इस तरीके से आप लोग इसको खेल सकते हो, देख सकते हो गाइस यहाँ पे एकदम स्मूथ रहेगा बिना GFX टूल लगाए भी, ठीक है। आपको इधर पे आप लोग जैसा कि देख सकते हो, एक मिनट बैक करता हूँ, सेटिंग में ग्राफिक में आता हूँ, अल्ट्रा FPS मतलब आपको तकरीबन बोल सकते हो 45 FPS to 50 FPS बोल सकते हो आपको आराम से मिल जाएगा अल्ट्रा ऑप्शन पे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग GFX टूल लगाएंगे तो हम लोग को क्या और बेटर ऑप्शन मिल सकता है, ये भी मैं आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा गेम प्ले यहाँ पे दिखाता हूँ TDM में, ठीक है। TDM में आपको एक गेम प्ले हल्का सा छोटा सा दिखाता हूँ, ओके। और सेकंड चीज़ गाइज, मैं इन गेम रिकॉर्डिंग भी करूँगा ताकि आप लोग को अच्छा एक्सपीरियंस मिले, कि इधर पे कैमरे में तो आप लोग को उतना अच्छे समझ में नहीं आएगा कि क्वालिटी कैसी है, इसके लिए मैं फ़ोन भी रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करूँगा फ़ोन के अंदर से। ओके गाइज, तो जैसे देख सकते हो यहाँ पे अभी रिकॉर्डिंग ऑन है, ओके। तो देख सकते हो मुझे मेरा गेम एकदम, मैं बोलूँगा मस्का ही चल रहा है एकदम, तकरीबन देख सकते हो काफ़ी सही है। और अगर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूँगा तो मे भी शायद मुझे और अच्छी FPS मिलेगी, ठीक है। देखो मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ, ठीक है, अभी मैंने इन गेम रिकॉर्डिंग बंद कर दी है, तो देख सकते हो। ओके, वेट, मार दिया मैंने इसको, देख सकते हो मेरे हिसाब से यार गेम एकदम मस्का चल रही है, आप लोग देख सकते हो। तो जब आप रिकॉर्ड करते हो तो शायद हल्का सा फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर ऐसे बात करी जाए तो एकदम मतलब बोले तो एकदम फ्री चल रहा है गाइस, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यार काफ़ी ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मेरे हिसाब से बहुत तगड़ा गेम प्ले है, इसमें आपको अच्छा पबजी का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो एक बार मैं स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पे चालू कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर हो गया है ऑन, तो जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा मतलब कह सकते हो फ्रेम रेट ड्रॉप होता दिख रहा है, ओके। मतलब यार देख के समझ में आता है कि फ्रेम रेट ड्रॉप्स हो रहे हैं, ओके। तो अभी गाइस मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ दिखा दी, अभी मैं ऑन करता हूँ GFX टूल के साथ में, आपको सेटिंग दिखा के मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम लोग यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं और मैं रिकॉर्डर भी बंद ही कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं बैक करता हूँ, अरे भाई बैक हो जा, हाँ लॉबी जाएंगे हम लोग, ओके। फिर ये हम लोग पबजी को कंप्लीट हम लोग को ऑफ करना पड़ेगा यहाँ से पहले, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कंप्लीट ऑफ कर दिया है, अभी ये हमारा GFX टूल है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं ऑन करूँगा।
ओके, फिर यहाँ पे हम मैं सिलेक्ट करूँगा ऊपर 0.19 जो भी वर्जन है ये डिफॉल्ट रहेगा। ग्राफिक जो रहेगी वो स्मूथ पे लिया है मैंने, FP60 एंटी एलियासिंग विल बी डिसेबल, स्टाइल इफेक्ट रहेगा कलरफुल। ओके तो ये सेटिंग मैंने सेट कर ली ये वाली, GPU ऑप्टिमाइजेशन इनेबल। ओके साउंड क्वालिटी मैं यहाँ पे डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, नहीं लो पे कर लेते हो। ओके ये इनेबल, तो देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये सेट हो जाएगा। फिर मैं एक्सेप्ट करके, ओके वेट अ मिनट, मुझे ये को इसको 32 बिट करना है कलर फॉर्मेट को, जिससे FP और इनहेंस होके मिलती है, अच्छी मिलती है। ठीक है तो देख सकते हो यहाँ पे, और इसका तो यार आप लोगों ने देखा जो अभी आया था ये हमारा ये गेम स्पेस जो होता है वो भी इनेबल हो गया इसका। ठीक है जो कि यार काफ़ी अच्छा आप लोग को गेम बूस्ट दे देता है। ठीक है तो इस तरीके से ये काम करता है पूरा अपना। इसको मैं ऑन कर लेता हूँ और आप लोग बैटरी देखते हो 61% पे है, और एक बार गेम ऑन हो जाने दो, फिर मैं आप लोग उसकी सेटिंग वगैरह दिखा दूंगा। ठीक है सेटिंग में जाते हैं और देख सकते हो आप मुझे स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। एंड आप लोग देख सकते हो ऑल HDR पे नहीं जा सकता, HD पे जा सकता हूँ सिर्फ। HDR क्यों अवेलेबल है, क्योंकि इस पे 720x1080p का ही डिस्प्ले है, दैट्स वाई। ठीक है तो HD प्लस एक्सट्रीम इसकी मैक्स सेटिंग है, GFX आप लोग लगा लोगे तो भी। ओके फिर मैं स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेलेक्ट करके ओके करता हूँ एंड आप लोगों को दिखाता हूँ। देख सकते हो गाइस एकदम मस्त रहेगा। ओके तो अभी मैं एक और आप लोगों को समझाने के लिए एक और TDM लगा के बस एक बार शो कर दूंगा, फिर मैं आपको क्लासिक में जाके इसके कंपैरिजन दिखा दूंगा, ग्राफिक कंपैरिजन कि कैसा दिखता है ये। ओके अलग अलग मोड्स पे कैसा चलता है ये। ओके गाइस सो देख सकते हो यार एकदम एकदम मैं बोलूँगा मुझे बहुत ज़्यादा ही मतलब फ़र्क समझ में आया जब मैंने GFX टूल इसमें लगा दिया, तो मेरे हिसाब से यार बहुत औसम चल रहा है भाई। ओके ये तो यार मतलब बात वही हो गई कि मेरे ये OnePlus 6 को तकरीबन टक्कर दे देगा भाई, बट फिर भी यार OnePlus है उसकी बात अलग है। यहाँ पे गाइस बात करी जाए तो देख सकते हो, ओके तो ऊपर देख सकते हो आपको फ्रेम रेट दिख रहा होगा यहाँ पे 5960 FPS तकरीबन आ रहा है। ठीक है ऊपर आपको फ्रेम रेट यहाँ पे दिख रहा होगा गाइस। ओके 85% GPU 90% GPU जो है CPU कम यूज़ हो रहा है। ओके तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग ये इसको यूज़ भी कर सकते हो, मेरे हिसाब से यार काफ़ी सही है। तो अभी हम लोग यार मैंने आपको रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई, मुझे पता है यार, क्योंकि मैं वो नहीं कर रहा अभी, मैं डायरेक्टली आपको क्लासिक में जाके दिखाता हूँ ताकि आप लोग एकदम बेटर अच्छे से समझ में आए। क्योंकि क्लासिक, क्योंकि यार TDM कैसा है ना, TDM में एक टाइम लैग नहीं होता है लेकिन क्लासिक में लैग होता है। क्लासिक बोले तो असली मैदान है भाई। ठीक है तो हम लोग क्लासिक में अपना लिविक में नहीं इरेंगल में टेस्ट करते हैं। ठीक है इरेंगल में, इरेंगल बेस्ट है, इरेंगल में टेस्ट करेंगे जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो कर दी है ऑन, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ऊपर कर देता हूँ। ठीक है तो देख सकते हो, और स्क्रीन साइज़ भी इसका काफ़ी अच्छा है। तो आपको अगर फोर फिंगर क्लॉ भी आप खेलते हो ना, देखो जैसे देख सकते हो मैंने फोर फिंगर क्लॉ ही सेट किया है। मेरा आदत है भाई फोर फिंगर क्लॉ खेलने का, मुझे और कोई सेटिंग ज़रा भी जमती नहीं, डिफॉल्ट सेटिंग तो ज़रा भी जमती, इसके लिए मैंने वीडियो बनाने से पहले ही सेटिंग कर ली थी क्लॉ की। ओके तो देख सकते हो मैं अगर फोर फिंगर क्लॉ भी खेलता हूँ तो मेरा हाथ जो एकदम परफेक्ट बैठता है, क्योंकि स्क्रीन साइज़ काफ़ी अच्छी है इसकी। ठीक है तो और मैंने इस रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दिया जिससे आप लोगों को अंदाज़ा मिल रहा होगा सेटिंग का। तो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, प्लेन वगैरह में भी बैठेगा तो मैं आपको वो भी अच्छे से दिखा दूंगा कि कैसा चलता है यहाँ पे गेम। ओके देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, आपको इन गेम रिकॉर्डिंग भी दिख रहा होगा गाइस यहाँ पे, मेरे हिसाब से यार बहुत सही क्वालिटी है। मैं अभी आपको यहाँ पे बैलेंस पे दिखा देता हूँ और HD पे भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। देख सकते हो ये बैलेंस सेटिंग है गाइस, और अब मैं HD पे सेट कर लेता हूँ। एंड देख सकते हो गाइस ये HD प्लस एक्सट्रीम सेटिंग है। ठीक है HD प्लस एक्सट्रीम, प्लेन की क्वालिटी आप लोगों को दिख रही होगी कितनी अच्छी आ रही है। और अगर फ्रेम रेट की बात करी जाए तो मैं आपको फ्रेम रेट प्लेन पे दिखा देता हूँ कि फ्रेम रेट कितना आ रहा है। ऊपर देख सकते हो आप लोग एक्सट्रीम पे 56 फ्रेम्स 58 फ्रेम आ रही है, तो मेरे हिसाब से यार परफेक्ट है। एक्सट्रीम का ऑप्शन हम लोग को मतलब एकदम अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है सो अभी मैं यहाँ पे रॉथॉक की तरफ जंप ले लेता हूँ। देख सकते हो गाइस HD पे मेरे हिसाब से यार बहुत सही सेटिंग है। देख सकते हो HD पे मुझे तो बहुत इनहेंस्ड ग्राफिक लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा ही मस्का लग रहा है। HD पे भी इतना स्मूथ गेम प्ले 10,000 की फ़ोन में मेरे हिसाब से यार बहुत तगड़ा है। ठीक है देख सकते हो,
पूरी कंप्लीट वीडियो, उम्मीद आपके वाली वीडियो पसंद आया। फिर मैं कंप्लीट आपको कंपैरिजन बता दिया पबजी का, ए टू जेड ग्राफिक कंपैरिजन, इन डेप्थ सारी चीज़ें बता दी। तो दोस्तों फटाफट से आज वाली वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दो, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप, जिसे भी यार C3 लेना होगा पबजी के लिए तो उसकी हेल्प हो जाएगी, उसको अच्छा से समझ में आ जाएगी पबजी इसमें कैसा चलता है। ओके एंड गाइस यार प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसे मैं कोई भी लाइव स्ट्रीम या वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय एंड पीस आउट। We'll be right back.